नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के साथ। आपको बताने वाले हैं कि भारत को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस और चीन नई तालिबानी सरकार को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। आखिर क्या कुछ लेकर आए हैं हम इस खबर के अंदर, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जहां अधिकतर देश अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद अपने दूतावास को बंद कर लोगों को वापस लाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन और रूस ने तालिबान को समर्थन देने की बात कही है। दरअसल सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि वह अफगान के लोगों की स्वतंत्रता पूर्वक अपनी तकदीर चुनने के फैसले का सम्मान करता है और वह तालिबान से दोस्ताना और सहयोगपूर्ण संबंध विकसित करना चाहता है। साथ ही अगर बात करें रूस की, तो रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता देने के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दूं कि मंगलवार को रूस के राजदूत तालिबान के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने वाले हैं और इसके बाद इस पर फैसला होना है। रूस ने अफगान में अपने दूतावास खाली करने के किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि उनके राजदूत लगातार तालिबान के संपर्क में बने हुए हैं। वहीं बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने पूरी दुनिया से अपील की है कि तालिबान की सरकार को मान्यता न दी जाए। देखने वाली बात यह होगी, तालिबान में सत्ता का परिवर्तन हो गया है और इस सत्ता के परिवर्तन से आम जनजीवन काफ़ी व्यस्त है, तो इस नई सरकार का जनता के प्रति क्या दायित्व होगा और किस तरह से जनता इस सरकार के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जो पिछला इतिहास कहता है वो तालिबान का बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इन तमाम जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार नई खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।